हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल वोल्ट एमीटर कैसे यूज़ करते हैं इस बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा डिजिटल वोल्ट एमीटर। तो आप इसको बाहर निकल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, यह है हमारा डिजिटल मीटर का जो डिस्प्ले है, और इसके पीछे के ओर दो सॉकेट आते हैं। इस सॉकेट के इस वाले सॉकेट में मदद से हम एम्पियर को मेजर करेंगे, और इस वाले सॉकेट के मदद से हम इसको पावर देंगे और वोल्टेज को भी मेजर करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा पैकेट का अंदर कुछ वायर्स है। तो आप समझ गए होंगे ये एम्पियर का है, और ये जो दो वाला है इसका हम पावर सप्लाई देंगे, और इसका मदद से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। और ये जो दो वायर्स हैं इसका मदद से हम एम्पियर को मेजर करेंगे। ये मीटर मैं लोकल मार्केट से 170 रुपये में लिया हूँ। आप चाहे तो आपके लोकल मार्केट में चेक कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑनलाइन बाइंग लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उधर से भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं। तो चलिए आप इसका वायर को सही तरीके से अटैच करते हैं। तो इसका वायर को अटैच करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप इसका शेप देखकर पहचान सकते हो कैसे लगाना चाहिए। अगर आप इसको गलत तरीके से लगाने जाएंगे तो ये नहीं लगेगा, तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो यह है इसका एम्पियर का वायर। तो इसको लगाने के लिए भी थोड़ा सा पुश करिए तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं वायर्स को बहुत ही इजीली से लगाना हो गया। जो मीटर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम 3 to 30 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। ये दो वायर के मदद से हम इसको पावर सप्लाई देंगे। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो इसका वोल्टेज एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस मीटर के मदद से हम 0 to 100 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, और 0 to 10 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। इसको पावर देने के लिए मैं 1 वोल्ट का बैटरी को यूज़ करेंगे। तो इस बैटरी का नेगेटिव साइड के साथ इस हमारा मीटर का जो नेगेटिव साइड है उसको अच्छे तरीके से जोड़ देना है। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है और मीटर का जो पॉजिटिव साइड है, ये रेड वाला वायर, ये दोनों भी अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मीटर चालू हो गया है। तो इसका जो रेड वाला हिस्सा है उसमें वोल्टेज शो होगा, और जो ब्लू वाला हिस्सा है उसमें एम्पियर शो होगा। इस डिजिटल मीटर के मदद से आप दो तरीके के पावर सोर्स का वोल्टेज मेजर कर सकते हो। एक जिसके मदद से आप आपके मीटर में पावर दे हो, और नहीं तो कोई एक्सटर्नल सोर्स का। तो चलिए पहले हम इस बैटरी का जो वोल्टेज है उसको मेजर करते हैं। इस बैटरी की मदद से हम हमारे मीटर में पावर दिए हैं। तो इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस येलो जो वायर है जो इस सर्किट के अंदर से आया है उसको हम हमारे जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव साइड है उसमें जोड़ देंगे। तो आप देखिए, जब हम इसको जोड़ते हैं तो 4.1 वोल्ट शो हो रहा है। निकाल देने के बाद 0 वोल्ट, और फिर से जोड़ देने के बाद 4.1 वोल्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वो 4.1 है। तो इसी तरीके से आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। अब हम देखेंगे अगर कोई एक्सटर्नल बैटरी हम लेंगे तो उसका कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं। तो आप में कोई एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज मेजर करने के लिए एक 3.2 वोल्ट 6000 mAh लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हो, तो आप देखिए कैसे कोई एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज मेजर करते हैं। तो इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए पहले इसका जो पॉजिटिव साइड है उसके साथ हमारा जो मीटर है, मीटर का जो येलो वाला वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं, और हमारा जो बैटरी का नेगेटिव साइड है उसके साथ मीटर का जो नेगेटिव साइड है मतलब ब्लैक वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट करने के बाद ये 3.3 वोल्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट है। तो ये डिसकनेक्ट करने के बाद 0 हो रहा है, और फिर से कनेक्ट करने के बाद 3.3 वोल्ट शो हो रहा है। तो
इसी तरीके से आप कोई एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज मेजर करते हैं। तो मैं एक 12.02 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लिया हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है उसका ये वाला साइड नेगेटिव है और ये वाला साइड पॉजिटिव है। तो अब ट्रांसफार्मर के वोल्टेज मेजर करने के लिए पहले की तरह मीटर का जो नेगेटिव साइड है वो ट्रांसफार्मर के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और मीटर का जो येलो वाला वायर है वो ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब देखिए कनेक्ट करने के बाद ये 22.6 वोल्ट शो हो रहा है, डिसकनेक्ट करने के बाद 0, फिर से कनेक्ट करने के बाद 22.6 वोल्ट शो हो रहा है। देखिए आप अब 22.5 वोल्ट शो हो रहा है, इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो 22.5 वोल्ट है। तो चलिए आप इस मीटर के मदद से कैसे एम्पियर को मेजर करते हैं और देखते हैं। तो एम्पियर को मेजर करने के लिए कुछ लोड देना पड़ेगा, तो मैं लोड देने के लिए एक मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस मोटर के साथ बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब आप देखिए ये जो एम्पियर का जो दो वायर है उसमें जो रेड वाला वायर है, मोटे जो रेड वाला वायर है उसको हमारी जो मोटर है उसके साथ कनेक्ट करने पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कुछ एम्पियर शो हो रहा है, करीबन 0.46 एम्पियर। इसको डिसकनेक्ट करने के बाद देखिए 0.0 हो गया है, फिर से कनेक्ट करने के बाद 0.66, 0.5558, 5961 ऐसे करके करंट पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो एम्पियर है इसका मतलब है ये मोटर घूमने के लिए 0.4544 इतने करंट ले रहा था। तो ऐसे करके हम कुछ मोटर के जो लोड है वो माप सकते हैं। तो अब हम एक एलईडी का यूज़ करेंगे। तो पहले की तरह ही बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो एलईडी का पॉजिटिव साइड के साथ जोड़ देते हैं और ये जो एलईडी का जो नेगेटिव साइड है वो मीटर का जो मोटे एम्पियर का रेड वाला वायर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा एलईडी भी जल रहा है और एम्पियर भी शो हो रहा है। फिर से देखिए कनेक्ट करने के बाद एम्पियर करीबन 0.32 इसके आसपास शो हो रहा है, इसका मतलब है ये एलईडी की ग्लो करने के लिए 0.32 करंट ले रहा था। तो चलिए आप देखते हैं कोई एक्सटर्नल सोर्स का जो लोड है उसका करंट कैसे मेजर करते हैं। तो मैं एक 9 वोल्ट का बैटरी ले रहा हूँ, यह है इसका पॉजिटिव साइड और ब्लैक वाला नेगेटिव साइड। तो मैं एक मोटर के साथ ये जो बैटरी है इस बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है मतलब रेड वाला वायर उसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इस बैटरी का जो ब्लैक वायर है मतलब नेगेटिव साइड उसको ये जो एम्पियर है एम्पियर का जो ब्लैक वाला वायर है उसके साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका कनेक्शन भी हो गया है। अब इस मोटर के साथ ये जो एम्पियर का जो रेड वाला वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके कनेक्ट करने के बाद एम्पियर शो हो रहा था, फिर से कनेक्ट करते हैं तो आप देखिए कनेक्ट करने के बाद एम्पियर शो हो रहा है, इसका मतलब है इस मोटर को घूमने के लिए जो करंट लेना है वो है 0.40 एम्पियर करंट। तो ऐसे ही करके आप कोई एक्सटर्नल सोर्स का जो लोड है उसका करंट मेजर कर सकते हो। तो चलिए आप एक एलईडी को टेस्ट करके देखते हैं। तो पहले की तरह ही इसको टेस्ट करने के लिए बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है उसके साथ एलईडी का पॉजिटिव साइड को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके कनेक्ट करने के बाद बैटरी का जो नेगेटिव साइड है वो एम्पियर का जो ब्लैक वायर है मतलब नेगेटिव साइड उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब एलईडी का जो नेगेटिव साइड है वो उस रेड वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फिर से देख लीजिए बैटरी का पॉजिटिव साइड एलईडी का पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट और बैटरी का नेगेटिव साइड ये ब्लैक वाला वायर के साथ कनेक्ट होगा। आप इस
इसका एलईडी का जो नेगेटिव साइड है और रीड अलावा वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एलईडी ब्लिंक कर रहा है और एम्पियर भी शो हो रहा है। डिसकनेक्ट करने के बाद 00, फिर से कनेक्ट करने के बाद एलईडी भी जल गई और एम्पियर भी शो हो रहा है। तो इसी तरीके से कोई एक्सटर्नल सोर्स के अगर लोड है उस लोड के आप एम्पियर को मेजर कर सकते हो। अब एक 1.5 वोल्ट का बैटरी का जो वोल्ट है वो टेस्ट करके दिखाता हूँ ब्लैक वाला आयर नेगेटिव साइड पे और जो येलो वाला आयर है वो पॉजिटिव साइड में। तो आप देख सकते हैं 1 वोल्ट है। तो अब इसका एम्पियर चेक करने के लिए ये जो रेड वाला आयर है वो पॉजिटिव साइड पर और जो ब्लैक वाला वायर है वो नेगेटिव साइड पर कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ एम्पियर शो हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा ऐसे करके आपको ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा एमएच का पावर सप्लाई का करंट मत मेजर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका जो मीटर है उसको डैमेज होने का चांसेस है। तो अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और शेयर करने मत भूलना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।